नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि राज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन योजना के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी छात्र 2021 में यहाँ पे मैट्रिक या फिर इंटर पास किए थे उनका प्रोत्साहन योजना के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया गया था, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है उनका यहाँ पे यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो उनको नहीं मिला था। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग का यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आप लोग का वेरिफिकेशन होने के बाद मिलता है, तो वो जो है यहाँ पे बहुत सारे छात्रों को नहीं मिला था। लगभग सभी छात्रों को यहाँ पे यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों अभी अपडेट ये जारी किया गया है कि आप लोग का जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो मिलना शुरू हो चुका है। अभी आप लोग अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एसएमएस के माध्यम से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो अभी आप जो यहाँ पे खुद से यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। तो किस तरीके से आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, किस तरीके से आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड लेना है, पूरी प्रक्रिया मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हिमाचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हिमाचल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो मैट्रिक या फिर इंटर प्रोत्साहन योजना का यूजर आईडी पासवर्ड आपको प्राप्त करने के लिए, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा दोस्तों कि आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होना जरूरी है। यहाँ पे जो आप लोग का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होना जरूरी है। तो आप लोग का जो मेधा सॉफ्ट यहाँ पे वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको चले आना है। अब इस वेबसाइट पे आपको आने के लिए करना क्या है, सबसे पहले जो आपको अपने गूगल में टाइप करना है YTDC। आप जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको जो इस वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ई कल्याण मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा जानकारी दे रखा है। आपको नीचे करना है, यहाँ पे आप देख पाओगे गेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे मैट्रिक के लिए और यहाँ पे इंटर के लिए आप लोग को लिंक मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आईडी पासवर्ड लेने से पहले आपको करना क्या है, आपको जो यहाँ पे मेधा सॉफ्ट का जो वेबसाइट है वहां से जाकर आपका जो स्टेटस होगा उसको चेक करना होगा कि आपका आवेदन यहाँ पे वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपका आवेदन वेरीफाई नहीं होगा तो आप लोग को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपको इंटर का चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को रिपोर्ट्स में आना है और यहाँ आप देख पाओगे दोस्तों कि वेरीफाई नेम एंड अकाउंट डिटेल और यहाँ पे बहुत सारा आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाता है। यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और सर्च पे क्लिक करना है और देखना है कि आपका आवेदन जो यहाँ पे वेरीफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है। मैं जो यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहाँ पे चेक कर लिया। यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों की बेनिफिशियरी का जो स्टेटस यहाँ पे आप लोग का शो कर रहा है, नेम वेरीफाइड, आधार वेरीफाइड, बैंक अकाउंट नेम वेरीफाइड, DOB वेरीफाइड, मार्क्स वेरीफाइड, आधार DOB वेरीफाइड, यानी कि सब कुछ इनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इनको जो है यहाँ पे फाइनलाइज करना होगा, तो इनको जो यहाँ पे आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो ये जो है अपना आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको जो फिर से इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे मैंने इंटर का चेक किया था तो यहाँ पे आप देख पाओगे गेट योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाया है, जिससे आपने स्टेटस चेक किया है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग को SMS के माध्यम से जो आप लोग का यूजर आईडी जो पासवर्ड है वो आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं जो यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो एक यूजर आईडी पासवर्ड डाल लिया, डालने के बाद मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे शो कर दिया दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाओगे योर एप्लीकेशन हैज बीन वेरीफाइड और यहाँ पे वन मैसेज सेंड यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का मैसेज यहाँ पे चला जाएगा और अभी जो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आप लोग का जो मोबाइल नंबर होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आप लोग का यूजर आईडी और जो पासवर्ड होगा वो आप लोग को मिल जाएगा। तो मैंने आप लोग को लाइव दिखा दिया कि किस तरीके से आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड लेना है। अगर आपका भी यहाँ पे जो वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो अभी आप यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आप जो यहाँ पे इंटर या फिर मैट्रिक दोनों का यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब जो है आप लोग का यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो आप लोग को मिलना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद मैं आप लोग को अगली वीडियो में जानकारी दूंगा कि आप लोग को यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से अपना जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है, अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, साथ में आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे जो फाइनल सबमिट करना है, सब कुछ मैं आप लोग को जो अगली वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया आप लोग का यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो आप लोग को मिल रहा है, मैंने लाइव आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी
जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वक्त, तक के लिए धन्यवाद।